गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.3 किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.4 करेंगे, जो कि पैटर्न्स पे आधारित है, पैटर्न के ऊपर है। देखो, जैसे पैटर्न्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर सीक्वेंस या ऑर्डर कह लो। जैसे ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, फिर दो ट्राइंगल स्क्वायर है, फिर थ्री ट्राइंगल स्क्वायर है, फिर आगे क्या होगा, फोर ट्राइंगल स्क्वायर होगा, पता चल जाता है। नंबर पैटर्न्स होते हैं, नंबर पैटर्न्स कई तरह के होते हैं। एडिशन वाला होता है, जैसे यहाँ पर देखो, हर में टू टू प्लस करते चले गए, वन प्लस टू प्लस थ्री किया, टू प्लस थ्री पर, ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, एडिशन वाले पैटर्न्स होते हैं। कुछ होते हैं मल्टीप्लीकेशन वाले पैटर्न्स, जैसे देखो मल्टीप्लाई करें, 15 × 15, 25, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। फिर कुछ डिवीज़न वाले पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप के पैटर्न्स होते हैं जिसमें कुछ नंबर, जैसे ये देखो, यहाँ पर 3 और 9 को प्लस, ये 9 में से 3 माइनस किया 6, 45 में से 37 माइनस किया 8, फिर 18 में से 11 माइनस किया 7, तो 54 में से 45 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ वही चीज़ को सॉल्व करके बताया उसने। ऐसे ही हमें कुछ पैटर्न्स इस एक्सरसाइज के अंदर करने हैं। जैसे अब देखो, ये देखो दिया हुआ है 1, 4, 7, 10, 13। देखो, 1 में 3 प्लस किया 4, 4 में 3 प्लस किया 7, 7 में 3 प्लस किया 10, 10 में 3 प्लस किया 13, 13 में 3 प्लस करेंगे 16, 16 में 3 प्लस करेंगे 19, फिर 22, फिर 25, 3 3 प्लस हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखो, 2 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 हो रहा है। अब देखो, इसमें 4 4 प्लस हो रहा है, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19 हो रहा है। यहाँ देखो, 512 का आधा 256, 256 का आधा 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 128, 128 को 2 से डिवाइड करोगे तो 64, 64 को 2 से डिवाइड करोगे तो 32, 32 को डिवाइड करोगे तो 16, 16 को डिवाइड करोगे तो 8, है ना। ये दो वाले आप अपने से करिएगा, ठीक। अब यहाँ देखो, अब ये देखो, ये सर्किल बना हुआ है, यहाँ जो नंबर है उसके अपोजिट इसका, ये देखो, ये इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आया, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। यहाँ पर 4 वाला है, देखो, 12 4 जा 48, 9 4 जा 36, 5 4 जा 20, वाह, हो गया, ठीक। ये वाला देखो, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने पर ये आ रहा है ना, ठीक। अब जैसे ये देखो, मैंने अभी बताया ना तुम लोगों को, 2 + 7 = 9, और 5 और 13 को प्लस किया 18, 11 और 19 को प्लस किया तो जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 30, हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना इजी है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो ये लिखेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ सब 8 8 8 है, प्लस 1 2 3 4, ये 5 आ गया। अब देखो, 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6, तो 9 8 7 6 5 है ना। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 × 8 + 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 8 7 6 5 4, हो गया। अब यहाँ देखो, 0 1 1 2 1 2 3, तो 1 2 3 4 × 9 + 5, 1 1 1 1, और 5 × 1, जितने यहाँ पर उतने, जितने नंबर है, 4 है तो 4 × 1 है, 5 है तो 5 × 1, आगे वाला 6 × 1, ये वाला। अब आप लोग अपने से करिएगा, बुद्धि लगाइएगा अपनी, ठीक है। अब देखो, ये वाला मैं करूँगा, ये वाला आप करिएगा। देखो, 37 × 3 × 1 1 37, देखो ये, तो यहाँ पर 3 3 3, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 5 है यहाँ पर, ठीक। तो ये एक्सरसाइज बेटा हमारी कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन नंबर बी आप अपने से करिएगा, और कौन कौन से क्वेश्चन आपको कॉपी पे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कॉपी पे करना है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको कॉपी पे करना है, ओके।
ये दो क्वेश्चन आपको कॉपी पे करने हैं, डेट डाल करके, डेट मेंशन करके काम करेंगे, जिस डेट में भी काम करेंगे वो डेट मेंशन कर लेंगे। ठीक है बेटा, फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।